ये मैरी है कहाँ? होना कहाँ है? ये मौसूफ तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। सुबह से 10 बार नौकर उसके कमरे का दरवाजा नॉक कर चुका है। I'm still shocked. आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें प्लीज अकेला छोड़ दें। He is very upset. तो तुम क्या चाहते हो कि उसका रिश्ता लेकर हम उस गंवार के घर चले जाएं? अगर आप उनका रिश्ता लेके उनके घर चली भी जाएंगी ना, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अनहोनी बात है। सब लोग कान खोलकर सुन लें। आज के बाद इस घर में इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। इनफ इज इनफ। ताहिरजान, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ मियाँ, मैं ज़रा कमिश्नर साहब के यहाँ से हुआ हूँ। लेकिन ताहिरजान, आप वहाँ तो पढ़ाने शाम में जाते हैं, इस वक्त खैरियत? आज पहली तारीख है ना, तो सोचा कि अगर आज वो तनख्वाह दे दें तो मैं उन्हें चंदे के पैसों में जोड़कर पंखों का आर्डर दे आऊँ। तो जानते हो इस जुमे को चंदा ज्यादा नहीं हुआ, मगर पंखे भी जरूरी हैं मस्जिद के लिए। मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। फी अमान अल्लाह। फी अमान। हमाद से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी मुझे। बिल्कुल ही पागल हो चुका है मामा ये तो। बेगम साहब, मौलवी साहब आए हुए हैं। अच्छा, भेजो जरा। इस वक्त क्या करने आ गया? हाँ अब समझी, रात हमाद के जरिए जो तमाशा इन लोगों ने लगवाया था उसका रिजल्ट देखने आया होगा। आने दो, मैं आज ये किस्सा ही तमाम करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, मैं क्या खिदमत करूं आपकी? मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया था, उनसे बात करनी थी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूं जो बात करना चाहते हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो मंसूबा तुम बना रहे हो ना, ये मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मंसूबा? कैसा मंसूबा? जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते थे कि तुम हमारे जवान बेटे को वरगला कर हमारे सामने खड़ा कर दोगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे? और इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे सुबह सवेरे उठकर आ गया ये सब कुछ देखने के लिए। मैं तो उनसे ये कहना चाहता था कि मेरी बेटी अब जवान हो चुकी है और हमारा बेटा पूरी तरह उसके चुंगल में फंस चुका है। बेहतर होगा कि हम खुद ही जाकर उसका हाथ मांग लें। क्यों, यही कहने आए थे ना? बेगम साहिबा, मेरी मासूम बेटी को दरमियान में मत लाएं। बस बस, बहुत हो गया। बन तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं। मेरी बच्ची को बीच में। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कल हमारा तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी बड़ी बेटी को प्रपोज करके गया है और ये कि वो उस पर लट्टू भी हो गया। ये लो अपना मुआवजा, जाओ यहां से और आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। जमीन के हो, जमीन पर ही रहो। सूरज तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो जलकर खाक हो जाओगे तुम। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं है तुमने? निकल जाओ यहां से। भाभी, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मेरी बात तो सुने। मैं अपने घर वालों की गलती की माफी मांगता हूँ आपसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे साथ जो यूं सरे बाजार मेरी इज्जत नीलाम कर दी?
बीच चौराहे में मेरी दस्तार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला गया। मैं तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकता, मगर वो बड़ा इंसाफ करने वाला है, वो करेगा मेरा इंसाफ, वो खुद करेगा मेरा इंसाफ, खुद इंसाफ करेगा मेरा। वो इज्जत का ही भरम होता है गरीब आदमी का, तुमने आज वो भरम भी मुझसे छीन लिया। क्यों किया इसे? क्यों किया? क्यों मुझे जीते जी मार दिया तुमने? तुम क्या समझते थे कि तुम हमारे जवान बेटे को वरगला कर हमारे सामने खड़ा कर दोगे? अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि कल हमारा तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी बड़ी बेटी को प्रपोज करके गया है, और ये कि वो उस पे लट्टू भी हो गया। चाहे आप सारी जिंदगी उसके दर की चौखट पे अपना माथा रगड़ते रहे, वो ये ताला कभी नहीं खोलेगी, क्योंकि इसकी चाबी वो अजल से ही अपने वालिद को दे चुकी है। मॉम, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों की झूठी शान और खोखले वकार का पोल आप लोगों के सामने खोलकर रख दूंगा। आप लोगों ने इस फरिश्ता सिफत इंसान की बेइज्जती नहीं की, बल्कि अपनी इज्जत का मजाक खुद उड़ाया है। आज वो नहीं बल्कि आप लोग अपने मकाम से गिर गए। उस इंसान के सामने आप लोग आज मुझे बोने लग रहे हैं, बोने। दरवाजा खोले। उस शख्स की, उस घराने की इज्जत आज मेरे दिल में इंतहा को पहुंच चुकी है, और मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैं आप जैसे लोगों के दरमियान जिंदा रहता रहा हूं। जो कीचड़ आपने उस मासूम के चेहरे पर उछाला था ना, उससे आप लोगों के अपने चेहरे लथड़ चुके हैं। बाहर आए, नफरत है मुझे आपसे, नफरत है मुझे आप लोगों से। कहां हैं आप लोग? भाभी, जल्दी 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 करें, जल्दी। कुछ नहीं होगा मियां साहब, अल्लाह खैर करेगा। अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटा, बेटा जल्दी से जाके दरवाजे पे देखो कौन है, बड़ी देर से दरवाजा पीट रहे। ये अल्लाह खैर। अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बेटे, मौल साहब को दौरा पड़ा है, मैं उन्हें हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा हूँ अभी। हाँ, सिविल अस्पताल में जल्दी चले मेरे साथ, जल्दी चले। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो, घर से तो बिल्कुल ठीक ठाक चले। ये तो अब उनके होश में आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल मेरा अंदाजा है कि किसी अचानक और शदीद सदमे का असर। सदमा? हाँ सदमा। खुदा का शुक्र है कि नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं हर 6 घंटे बाद चक्कर लगाता रहूँगा। आप फिलहाल इन दवाओं का बंदोबस्त करें। तो जहान के खालिक को मालिक, तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे। या अल्लाह, इस घर की छत हमेशा सलामत रहे, मौलवी जी को जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा, इन बच्चियों के सर पे अपने बाप का साया कायम रहे। सब ठीक तो है ना? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला गया। राजा, राजा ना, अब ठीक तो है ना? राजा ने ये सब हुआ कैसे? अच्छा, आप आराम करें, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मियां,
जी तो हाँ। मेरी उम्र भर की कमाई मेरी नेकनामी मेरी इज्जत को आज भट्टा लगा दिया किसी ने। किसने ताया था? उस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वो बड़ा इंसाफ करने वाला वो करने वाला है। वो करेगा मेरा इंसाफ, वो खुद करेगा मेरा इंसाफ। आबाद बाबा, मुझे बड़ा दुख है कि आपने, आप तो अपने घर वालों को जानते हैं, आपने भी नहीं। शाकिर, शायद मैं आज तक अपने घर वालों को समझ ही नहीं सका, यही मेरा कसूर है। नहीं सारा, आपका कसूर नहीं है इसमें। निकट भी बराबर की शरीक है, उसकी खबर तो मैं नहीं। आप निकी को कुछ नहीं कहेंगे? आपको मेरे सर की कसम, उसने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। अगर आप भी उसकी जगह होते तो मेरी बात कभी रद्द नहीं कर पाते। और मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? उसे पसंद ही तो किया, क्यों ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है? बहरहाल अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम मौलवी साहब की खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं दिला सकते। वो बेचारे तो जीते जी मर गए। नहीं शाकिर, अब ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मौलवी साहब की इज्जत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आए और उसे यूं पामाल करके चलता बने। मेरी वजह से उनकी इज्जत पे हर्फ आया है ना, अब मैं ये दाग धोके भी दिखाऊंगा। हमार बाबा, आपके जहन में क्या है? खुदा के वास्ते ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। क्या हुआ अगर मेरे घर वाले रिश्ता लेके नहीं गए तो? अब आप जाएंगे मेरा रिश्ता लेके, बस यही तरीका रह गया है जिल्लत के अजाले का। नहीं हमारा, उससे ये नहीं हो सकेगा। अगर मौलवी साहब ने मुझसे ये बात सुन ली तो खुद मुझसे सारी जिंदगी के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। अब एक तरफ आपका मुझसे रिश्ता है और दूसरी तरफ मौलवी साहब से आपकी दोस्ती। अब इनमें से किसी एक को आपने चुनना है, फैसला आपके ऊपर है। मैं इससे ज्यादा मजबूर नहीं करूंगा आपको। ये हमाद बाबा मुझे किस इम्तिहान में डाल रही है? ताजान, आप अपने दिल पर कोई बोझ मत लें। किसी के कह देने से ईमान का दामन दागदार नहीं हो सकता। ईमान क्या है यह आप जानते हैं और ये मैं जानता हूं। यूं लगता है जैसे पता नहीं कितनी किताबें इसने घोल कर। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब्राग जुस्तजो क्या तुझो। ईमान में वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है। बाहर हो गया क्या? रुक जाओ, हमने तुमसे बात करनी है।
कि क्या तुमने दो चार रोज से घर में हंगामा मचाया हुआ, और इस मौलवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपने ठीक कहा डैड, कल तक तो उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज वो मेरे अपनों में से एक है। लेकिन वो हमारे अपनों में से एक नहीं है, तुम इन नए रिश्तों की वजह से अपने खूनी रिश्तों को भुला रहे हो। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, उस सब का क्या हुआ? आई नेवर एक्सपेक्टेड यू ऑफ दिस। नहीं डैड, मैं अपने खूनी रिश्तों को भूला नहीं हूं, मैं आज भी उनका उतना ही एहतराम करता हूं जैसे पहले करता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन रिश्तों का एहतराम करें जो आज किसी ना किसी तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये शर्त है तुम्हारी? इसे आप शर्त समझें, अल्तजा आप पे मुनासिब है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज जिन जिन लोगों ने मौलवी साहब की तस्दील की है वो उनके पास जाके इस गलती का अजाला करें और मौलवी साहब से जाके माफी मांगे। तो ठीक है, मुझसे भी आप किसी किस्म की कोई फेवर की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। शायद तुम एक बात भूल रहे हो, अभी इस वक्त जिस छत के नीचे तुम रह रहे हो वो मेरी है। तुम यहां ज्यादा शर्तें रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच डैड, याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड कि इस घर पर और इस छत पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, और ये याद दिलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस सल्तनत का मैं एक अदना सा गुलाम हूँ जहाँ जिंदा रहने के लिए हर वो काम करना पड़ता है जिसका आप हुक्म दें, यहाँ तक कि सांस भी आपकी मर्जी से लेनी पड़ती है। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको किस तरह लेते हो। इस घर में रहने के चंद उसूल हैं जो सबको मानने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये उसूल मानने इतने ही ज़रूरी हैं तो इससे बेहतर है कि मैं ये घर ही छोड़ दूँ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो हम्माद, तुम्हारे डैड का ये मतलब हरगिज नहीं, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। नहीं मां, उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता, इसीलिए मैं इस घर को छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। बात जाने दो, से मत रोको, दो चार रोज में साहबजादे के मिजाज ठिकाने आ जाएंगे, बाहर की धूप ने अभी तक इसको छुआ नहीं। नौकरों की खिदमत के साए तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं? एक रात घर से बाहर गुजारेगा, तबीयत साफ हो जाएगी और ये इश्क जो है ये निकल जाएगा इसमें से। इसको तो सही से पैदल चलना भी नहीं आता। क्यों मियां, यहां से जहां जा रहे हो क्या पैदल चल के जाओगे या मैं एक शोफर रवाना करूं तुम्हारे साथ? आपने बिल्कुल ठीक कहा डैड, बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं, जो मुझे आपने या मॉम ने नहीं सिखाया। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ सिखा देता है। नौकरों की फौज तले एयर कंडीशन कमरों में मिनरल वाटर के बगैर मैं जीना सीख ही लूंगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, ठोकरें खाऊंगा भी तो मदद मांगने आपके पास वापस नहीं आऊंगा। और हाँ, जाते जाते गुलामी की ये सारी निशानियां आपको बहुत मुबारक हो सर। हद, मेरी बात सुनो, ताकि आप कभी ये ना कहें कि मैं बाहर रहकर भी आपके टुकड़ों पे पलता रहा। बात ऐसा नहीं है बेटा। मैं जा रहा हूँ, तो और आज के बाद आप लोग मेरी शक्ल को भी तरसेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हमाद। हमाद, मेरी बात सुनो। खुदा हाफिज़। हमाद, मेरी बात सुनो। हमाद, एक खुदा को पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं। जा रहे हो से।
अगर उनकी तबीयत संभल गई थी तो तुम उन्हें अपने साथ घर वापस क्यों नहीं लेकर आए? अब्दुल्ला, हमारे दिल तो पहले ही बहुत हौला रहे, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो। नहीं ताईजान, खुदा ना खासा ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। असल में रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि इतनी रात में इनको घर ले जाना मुनासिब नहीं है। और फिर मैं यही बताने यहाँ पर खुद आया कि रात में ताईजान के साथ ठहरूंगा, आप परेशान मत हों, सुबह होते ही मैं उन्हें ले आऊँगा यहाँ पर। बस पर हाँ हया, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ सामान रख दो, मैं लेकर जाऊंगा। जी अब्दुल्ला भाई, रख दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इन्हें तो शुक्राने के नवाफिल माने थे। मैं जरा वो अदा कर लूं। ईमान, अब्दुल्ला ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने अब्बा के खाने के साथ इसका खाना भी बांध दे। कह रहे हैं ना, अब्बा की तबीयत बिल्कुल ठीक है पूरी तरह। काफी बेहतर है। बस उन्हें घर लाने के बाद दवाई का और उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। लेकिन लेकिन उन्हें हुआ क्या था? अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, और जब उसने इम्तिहान में डाला है तो वही सुरखरू भी करेगा। आप परेशान मत हो, मैं हूं वहां ताईजान के साथ। सामान लेकर जाना है, आप निकाल दें, मैं जब तक इशा की नमाज पढ़ लेता हूँ। जी। अबे भाई उठ भाई, फजर का टाइम हो गया, उठ नमाज पढ़ेंगे, आओ चले। कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं। मेडी के तमाम ठिकाने, उनके तमाम दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, किसी को भी कुछ नहीं पता। तुमने कामरान को चेक किया? हमाद अपने दिल की हर बात उसी से शेयर करता है। सबसे पहले मैंने कामरान को ही तो कॉल किया, वो भी मेडी के बारे में कुछ नहीं जानता। आई एम टेलिंग यू मॉम, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी।
मैं मैडी और उसकी जिद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। नौकरों की खिदमत के साए तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं? They've lost him, mom. मैं जा रहा हूँ ताकि आप कभी ये ना कहें कि मैं बाहर रहकर भी आपके टुकड़ों पे पलता हूँ। We've lost him. डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन शायद आप मौलवी साहब को नहीं जानते। पाकी और नापाकी की वजह से वो यहाँ इत्मीनान से एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। कल से न जाने कितनी मर्तबा कपड़े बदलवाने का कह चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो यहाँ आराम नहीं कर पाएंगे। हाँ अलबत्ता घर पर हम उनकी अच्छी देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें इत्मीनान भी हो जाएगा। बहरहाल आखिरी फैसला फिर भी आपका है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, इन सरकारी अस्पतालों में ऐसे मसाइल आम हैं, लेकिन मजहब भी तो मरीज़ को मरस की हालत में बहुत छूट देता है। आपके बुजुर्ग की परेशानी भी अपनी जगह बजा है। अच्छा ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको उन्हें कुछ दिन मुआयने के लिए रोज़ाना यहाँ लाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ले जाओ। जज़ाकअल्लाह। यही तो हिदायत की बात है कि उसके जितने भी ठिकाने थे मैंने वहाँ पता कर लिया, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। वो अपने सारे एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इवन के अपना मोबाइल फ़ोन भी यहीं पे फेंके गया है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो दूर तो जा ही नहीं सकता। अगर तुमसे भी रहा नहीं तो वो गया कहाँ? तुमने शाकिर चाचा से पूछा? नौकरों ने बताया कि घर से जाने के बाद वो अगले दिन सबसे पहले शाकिर से मिलने गया था, लेकिन वहाँ भी बस वो एक आधा घंटा बैठा और उसके बाद वहाँ से पैदल ही चला गया। शाकिर को भी उसके ठिकाने का कुछ नहीं पता। पैदल चला गया? यार उसने तो कभी ह्यूस्टन में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पैदल सफ़र नहीं किया, ये पाकिस्तान में कैसे यार? अब वो पुराने वाला मैडी नहीं रहा, इस एक मोहब्बत ने उसके अंदर सब कुछ बदल दिया यार। पैदल चलना तो बहुत मामूली बात है, वो तो अब अपने लिए पहाड़ों में भी रास्ते बना लेगा। अच्छा मैंने तुम्हें अपने अंकल के बारे में बताया था ना, सिद्दीकी साहब जो रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, यार उनकी अपने डैड से कह के रेलवे मिनिस्ट्री में सिफारिश ही करा दे। ठीक है, जैसे ही लेटर आता है फौरन मुझे भिजवाओ। ओके। हाँ तो नौजवान, तुम कामरान के रेफरेंस से आए, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। काम? भाई मैं तो समझा था कि शायद कोई रिजर्वेशन वगैरह का मामला होगा। शक्ल से तो तुम किसी अच्छे खानदान के पढ़े लिखे नौजवान लगते। अफसोस मेरे पास तुम्हारे करने लायक कोई काम नहीं। सर मेरे चेहरे की चमक में मत जाइए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो काम मैं खुश सलूबी से भी करूँगा। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है सर।
हेलो, गफूरे को अंदर भेजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने याद किया? हाँ गफूरे, कल तुम बता रहे थे कि डॉकयार्ड में तुम्हारे पास रोज़ाना उजरत के मजदूरों में एक की कमी है, किसी को रखा था ना? अभी तक तो नहीं रखा जी, जगह खाली है। तो ठीक है, इस नौजवान को ले जाओ। हाँ, क्या नाम बताया था साहबजादे तुमने? जी हमाद। हमाद, हाँ हमाद को ले जाओ और डॉकयार्ड में आर्जी मजदूरों में इसको लगा। ये आज से तुम्हारे साथ काम करेगा और शाम को आके कागजी लिखत पढ़त भी कर लेना। साहब जी, ये बाबू मजदूरी करेगा? हाँ भाई, अब देर नहीं करो, ले जाओ इसे। जी बेटा। और हाँ मेरी बात सुनो, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो सेकंड क्लास का वेटिंग रूम बंद पड़ा हुआ है ना, उसे खुलवा के इसके रहने का बंदोबस्त भी करवा दो। जी बेहतर। साहब जी, ये मजदूरी? हाँ भाई मजदूरी। ठीक है जी, आओ आओ। थैंक यू सर। ओ मेरे मालिक। सदीकी साहब बड़े चंगे आदमी हैं, लेकिन उनकी एक आदत है, सिर्फ काम की बात करते हैं, ना फालतू बात करते हैं ना किसी की सुनते हैं। और सच्ची बात है बाबू, अपने अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी किसी बात के ऊपर मुड़ के उनसे कोई सवाल करें। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सदीकी साहब ने तुम्हें मजदूरी करने को ही कहा है ना? आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं ही तुम्हारा नया मजदूर हूँ? मुझे बताओ काम क्या करना है बाबू। बोझ उठा भी सकोगे कि नहीं? तुमसे कहोगे तो कर ही लूंगा। हाँ हाँ, चल लग जा फिर मजदूरी पे, अल्लाह भला करेगा। सबसे पहले तेरी वर्दी और तेरे नंबर का बंदोबस्त करना है, उसके बाद तेरे रहने की जगह तुझे दिखानी है। मेरा नाम गफूर है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। सदीकी साहब ने कभी भी इस तरह मुझे बुला के ना किसी की सिफारिश नहीं की है। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी ना मेरे जिम्मे है। चल फिर। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। नौकरों की खिदमत की साये तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं? क्या होती है? के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है। वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है। एक रात घर से बाहर गुजारेगा, तबीयत साफ हो जाएगी और ये इश्क जो है ये निकल जाएगा इसमें से। इसको तो सही से पैदल चलना भी नहीं आता। क्यों भैया, यहां से जहां जा रहे हो क्या पैदल चल के जाओगे या मैं एक शोफर रवाना करूं तुम्हारे साथ? बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ने सिखाते हैं।
जो मुझे आपने या मॉम ने नहीं सिखाया, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैं जा रहा हूँ, आज के बाद आप लोग हमेशा शक्ल को बिखरे।